सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लिनिक एंड पिक्सी का रिव्यू। तो आई हैव ऑयली स्किन, तो मैंने क्लिनिक का ऑयली स्किन का जो 3 का पैक आता है, आई थिंक 3 की किट आती है, मैंने ये बाय करा। एक्चुअली क्लिनिक की बहुत ज़्यादा हाइप है, हर कोई इसे रिकमेंड करता है, हर कोई कहता है कि क्लिनिक ट्राई करो, ऑयली स्किन है तो ड्राई स्किन है तो क्लिनिक ज़रूर ट्राई करो। सो आई थॉट कि मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ, अगर मेरी स्किन पे सूट करता है तो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। तो मैं इसको आई थिंक 2 वीक्स से ट्राई कर रही हूँ, और 2 वीक्स से आई मस्ट से मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है 2 वीक्स से। फर्स्ट स्टेप है ये फेस वॉश क्लिनिक का। सो दिस इज मैंने थ्री स्टेप किट्स ली थी, उसमें फर्स्ट ये फेस वॉश है। तो ये दिस इज 3 स्टेप स्किन केयर। फर्स्ट स्टेप इज लिक्विड फेशियल सोप ऑयली स्किन फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑयली टू ऑयली टाइप 3-2 डर्मेटोलॉजिस्ट डेवलप्ड एलर्जी टेस्टेड 100% फ्रेग्रेंस फ्री। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि ये 100% फ्रेग्रेंस फ्री है, क्योंकि जब भी इनकी थोड़ी अलग सी ही स्मेल है। आई नो अगर किसी चीज़ में फ्रेग्रेंस उन्होंने डाली ही नहीं है तो उसकी फ्रेग्रेंस क्या ही अच्छी आएगी। तो इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अजीब है, तो मैं ये मान सकती हूँ कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है। सो दिस इज़ थ्रू क्लेंजिंग डेवलपमेंट बाई क्लिनिक्स डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दी नीड्स ऑफ स्किन कम्फर्टेबल इन दी चीक्स ऑयली इन दी टी जोन और ऑयली ऑल ओवर लीव स्किन फीलिंग फ्रेश एंड क्लीन नॉन ड्राइंग ट्वाइस डेली। हाँ, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये ऑयली स्किन के लिए है, और ये चीक एरिया टी जोन एरिया की बहुत सबसे ज़्यादा हमें चीक्स एंड टी जोन एरिया में ही ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो ये उसकी बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है और ये स्किन को ड्राई भी नहीं छोड़ता, जो कि बिल्कुल सच है। मैं इसको 2 वीक से ट्राई कर रही हूँ और बहुत अच्छे से ऑयल कंट्रोल करता है, बहुत अच्छे से क्लींजिंग करता है फेस की, बहुत अच्छा फेस वॉश है। आई मस्ट से आई थिंक मैंने ऐसा फेस वॉश आज तक नहीं देखा होगा, मैंने जितने भी फेस वॉशेस ट्राई करे हैं ये फर्स्ट ऐसा है जो ऑयल को अच्छे से कंट्रोल करता है और बहुत अच्छी क्लीन करता है फेस को, और ऑयल आने से भी कंट्रोल करता है। सो दिस इज देयर फेस वॉश। सो नेक्स्ट स्टेप इज दिस टोनर। तो ये उनके 3 स्टेप में से सेकेंड स्टेप है। दिस इज क्लीनिंग क्लेरिफाइंग लोशन ट्वाइस अ डे एक्सफोलिएटर लोशन एक्सफोलिएटन। सो ये ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। एक्चुअली ये किट ही पूरी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सेकेंड स्टेप है। आफ्टर वॉशिंग योर फेस विथ क्लिनिक फेस वॉश, आपको ये टोनर फेस पे ट्राई करना होता है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि फेस वॉश तो मैं कर चुकी हूँ, और मैं आपको टोनर कैसे यूज़ करते हैं वो दिखा देती हूँ। फर्स्ट आई एम गोइंग टू ओपन दिस। दिस इज कॉटन पैड, आप इसको कॉटन पैड पर थोड़ा थोड़ा सा ले लो। ये बहुत ज़्यादा इस प्रोडक्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट भी आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसकी स्मेल थोड़ी सी एल्कोहलिक सी है, बट स्टिल बहुत अच्छा है। उसके बाद ये आप अपनी स्किन को इसके ऐसे डैप डैप कर लो। मैं तो इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ, वैसे ये टोनर है तो आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, आप खाली ऐसे रिमूव भी कर सकते हो, बट मैं फर्स्ट डैप करती हूँ ताकि प्रोडक्ट मेरी स्किन के अंदर चले जाए, और उसके बाद मैं इसको ऐसे फेस पे बस क्लीन कर देती हूँ ताकि जितना भी डर्ट है। एक्चुअली आप फेस वॉश करते हो उसके बाद भी आपकी स्किन पे काफ़ी सारा प्रोडक्ट रह जाता है, और मैंने ये चीज़ देखी है, बहुत चीज़ें बहुत डर्ट रह जाता है आफ्टर वॉशिंग योर फेस भी। तो ये टोनर उस डर्ट को बहुत अच्छे से बाहर निकाल के आपका फेस बिल्कुल क्लीन कर देता है। और मेनली मैं अपना ये वाला जो पार्ट है
ये और ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने इसे मेरे को रिकमेंड करा था। उसने मुझे बोला था कि यहाँ जो ब्लैकनेस हो जाती है नोज़ के साइड एरियाज़ में एंड लिप्स के साइड एरियाज़ में, वो बहुत अच्छे से क्लियर करता है। और येस, मेरे को 2 वीक्स में फ़र्क दिखाई दिया है। मेरे बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस थी नोज़ के साइड में और लिप्स के साइड में, और ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है और ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स भी रिमूव कर देता है। सो हम इसको अच्छे से फेस को इससे क्लीन कर लेंगे, फेस एज वेल एज नेक को भी इससे क्लीन कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा एटलीस्ट 5 और 10 मिनट्स के लिए तो मैं इसको यूज़ करती हूँ ताकि मेरी स्किन अच्छे से क्लीन हो जाए। और उसके बाद इसको यूज़ करने के बाद आप इसको एटलीस्ट 5 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ दें ताकि ये प्रोडक्ट आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो सके और जितना भी गंध है आपकी स्किन से बाहर आ सके। और आई मस्ट से, मैंने आज से पहले कभी टोनर यूज़ नहीं करा था। मैं फर्स्ट टाइम मैंने क्लिनिक का ही टोनर यूज़ करा। माई आई मस्ट से ये अच्छे से फेस को क्लीन करता है। फेस वॉश के बाद जो हमारी स्किन में गंध रह जाता है ये उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन करता है। आई थिंक हमें टोनर की बहुत ज़रूरत है। आई एम श्योर कि हर एक लड़की अगर टोनर यूज़ करती है तो उसको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा अपनी स्किन में, क्योंकि ये क्लिनिक का तो ये है कि मेरी ये जो ब्लैकनेस थी मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन इस टोनर को यूज़ करने के बाद आई नो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा क्लीन हुई है। एक्चुअली मैं तीनों स्टेप डेली फॉलो करती हूँ। आई थिंक तीनों स्टेप से ही मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। आई मस्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा है क्लिनिक, बहुत ज़्यादा अच्छा। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है इसे बाय करने में। आई थिंक ये 2700 की किट थी, 3 की, एंड मुझे ये वर्थ बाइंग लगी, क्योंकि बहुत अच्छे से फेस क्लीन करता है, आपका ऑयल कंट्रोल करता है, बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है फेस की। बट अगर ये ऑयली स्किन के लिए है, मैं इसको ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि ये आपके एक्ने के लिए भी है, क्योंकि ये बस ऑयल कंट्रोल करता है, आपके फेस की अच्छे से क्लीनिंग करता है और आपके ऑयल को फेस पे आने से रोकता है, आपकी स्किन थोड़ी क्लियर करता है। बट नहीं, ये एक्ने के लिए नहीं है। मेरे एक्ने में इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। कैन से दैट कि ये एक्ने के लिए नहीं है, लेकिन ये आपकी ऑयली स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा और आपकी स्किन के ऑयल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। सो आई थिंक 5 मिनट्स हो चुके हैं। और नेक्स्ट इज क्लिनिक मॉइस्चराइजर, ये लास्ट एंड थर्ड स्टेप है। सो दिस इज लास्ट स्टेप ऑफ क्लिनिक 3 स्टेप किट। ये भी डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, ये भी ऑयली स्किन के लिए है। ये जेल हाइड्रेटेड ट्रीटमेंट डिफरेंट। सो ये मॉइस्चराइजिंग जेल है, बहुत अच्छा है। अगर आप इसको लगाते हो उसके बाद आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट, इतनी स्मूद हो जाती है, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा स्मूद हो जाती है, बहुत अच्छे से स्मूद हो जाती है, बहुत अच्छी स्किन लगने लगती है, एक अलग ही शाइन आ जाती है इस जेल से फेस में। बहुत अच्छी शाइन आ जाती है और बहुत स्किन बहुत स्मूथ, बिल्कुल ये बम्प्स जो होते हैं फेस के ये सब स्मूदिन हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत ग्लो करने लगती है, बहुत सुंदर लगने लगती है। एंड मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने ये स्मॉल ही पैकेज लिया था क्योंकि मुझे ये ट्राई करना था। आई वॉज़ नॉट श्योर कि ये मेरी स्किन पर सूट करेगा कि नहीं, बट हाँ ये मेरी स्किन पर बहुत अच्छे से सूट करा है एंड आई एम लविंग इट। आई एम गोइंग टू बाई इट अगेन एंड अगेन। सो मैं इसको 2 फिंगर्स पे लेती हूँ। एक्चुअली ये प्रोडक्ट बहुत कम है इसलिए मैं इसको ऐसे यूज़ करती हूँ। मैं इसको पहले 2 फिंगर्स पे लेती हूँ, देन इसको बंद करने के बाद मैं ये फिंगर्स पे फिर इसको पूरी स्किन पे हल्का 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 ऐसे डैप कर लेती हूँ ताकि पूरे फेस पे मेरे प्रोडक्ट आ जाए। एंड उसके बाद मैं अपने पूरे फेस में इस जेल को अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। एंड आप अपने नेक पे भी सारे प्रोडक्ट्स, अपने फेस वॉश भी नेक पे ज़रूर
यूज़ करें टोनर भी एंड ये जेल भी, क्योंकि एक आपका फेस का पार्ट ही होता है. सो आप इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने फेस के साथ साथ अपने नेक को भी कवर करें अगर आप कोई भी स्किन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो. सो इससे हल्की सी शाइन आ गई होगी. आई लव दिस प्रोडक्ट, आई लव क्लिनिक. मैं इसको आपको पक्का रिकमेंड करूँगी, 110% आपको ये यूज़ करना चाहिए. वर्थ बाइंग है, आपका एक रुपा भी वेस्ट नहीं जाएगा. क्लिनिक के ऑयली जो ये ऑयली थ्री स्टेप किट आती है ऑयली स्किन के लिए, आई मस्ट से आप इसको ज़रूर ट्राई करें. दिस इज़ बेस्ट, आई थिंक दिस इज़ बेस्ट फॉर्मूलाज इन दिस वर्ल्ड. आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, तो आई थिंक इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा आपके फेस पे. आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई एलर्जी हो सकती है आपके फेस पे, और ये डॉक्टर रिकमेंडेड भी होता है. आई लव दीज प्रोडक्ट्स. आई विल से कि आप इसको डेफिनेटली बाय करें. अगर आपको इसको ट्राई करना है तो आप इसके छोटे वाला, जो मैंने ये पैकेज ले रखा है, ये थ्री स्टेप किट है, आप इसके छोटे वाले किट ट्राई कर सकते हैं, जो कि आई थिंक 2700 की आ जाती है. फ्री ऑयली स्किन गर्ल शुड हैव दीज प्रोडक्ट्स, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये पिक्सी. सो दिस इज सी स्किन ट्रीट्स सिंस 1990. ये 1999 से है. दिस इज पिक्सी ग्लो टॉनिक 5% ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड. तो मैंने सुना है कि ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन में पिंपल्स में बहुत हेल्प करता है, और आपका फेस जो डेड स्किन है वो निकाल के आपकी नई स्किन आ जाती है. सो दिस इज एक्सफोलिएटिंग टोनर. ये आपकी स्किन की एक्सफोलिएशन में हेल्प करता है. सो इसके अंदर 5% ग्लाइकोलिक एसिड है, इसलिए आई डोंट थिंक सो इसको आप डेली यूज़ कर सकते हो. एक्चुअली मैं ये भी 2 वीक्स से यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस प्रोडक्ट इज़ हेवन. आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज़ बेस्ट फॉर योर एक्ने एंड ऑयली स्किन. अगर आपके फेस पे एक्ने हैं और आपकी ऑयली स्किन है तो यू शुड ट्राई दिस. एक्चुअली अभी मैं इसको 2 वीक से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसको वीक में 2 टाइम्स यूज़ करती हूँ, और आई थिंक मैंने इसको अभी 4 टाइम ही यूज़ करा है, एंड 4 टाइम के बाद ही मेरी स्किन में मुझे इससे फ़र्क दिखने लग गया है. क्योंकि मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करा मेरे को कुछ फ़र्क नहीं लगा, सेकंड टाइम जब मैंने ट्राई करा मेरे पिंपल्स हो रहे थे, हल्के हल्के पिंपल्स आ रहे थे, न्यू पिंपल्स आ रहे थे. लेकिन जब मैंने इसको सेकंड टाइम ट्राई करा वो मेरे पिंपल अपने आप नेक्स्ट डे बैठ गए, और बैठने के बाद उसके नेक्स्ट डे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए. तो ये धीरे धीरे आपकी स्किन को ट्रीट करता है, आपके पिंपल्स को पहले आने से भी रोकता है, और दूसरी बात आपके जो पिंपल आ रखे होते हैं उनको बिठाता है, और वो स्किन के अंदर वापस चले जाते हैं, और दूसरी बात वो अपने आप हील हो जाते हैं. इससे वो दाग धब्बे भी नहीं छोड़ते हैं आपकी स्किन पर, और आपकी स्किन सही से ट्रीट भी हो जाती है. और बाकी ये आपकी नई स्किन जो अंदर जो नई स्किन आपकी लॉक हो जाती है अंदर, जो न्यू स्किन, वो भी ये बाहर आने में हेल्प करता है, क्योंकि ये ऊपर की डल एंड ड्राई स्किन हटा देता है. सो आई मस्ट से यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट. एक्चुअली मैंने इसको ऑनलाइन 1250 का देखा था, लेकिन मैंने इसको सफोरा से जाके बाय करा तो ये मुझे 1480 का पड़ा. आई डोंट नो अलग अलग प्राइजेस क्यों हैं. ये दिस इज़ ईजिली अवेलेबल इन इंडिया. आप इसको सफोरा से ख़रीद सकते हैं और आप इसको नायका से ख़रीद सकते हैं. मैंने तो अभी तक ये 2 ही साइट देखी है जहाँ पे ये सेल होता है. तो मैंने ऑनलाइन देखा था तो ये 1250 का दिखा रहा था, बट मैंने जाके बाय करा तो ये मेरे को 1480 का पड़ा. बट मुझे ये लेना था क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ बहुत सुने थे, और येस इसके रिव्यूज़ बिल्कुल सच भी हैं, क्योंकि ये मेरी स्किन पे भी वर्क करा है. मेरे पिंपल में बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है इससे. आई थिंक ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है. यू शुड ट्राई दिस प्रोडक्ट, एंड आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट. आप स्टार्टिंग कर रहे हैं इसको यूज़ करने की, पहले तो आप इसको थोड़े से अपने हैंड के या कहीं भी फेस के पार्ट पे हल्का सा आप ट्राई करके देखिए. अगर आपको ये सूट कर रहा है तो ही आप यूज़ करें, वरना दिस इज़ एसिडिक प्रोडक्ट. आपको अपनी स्किन पे ऐसा, अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको ऐसे यूज़ ना करें. लेकिन अगर आपको ये सूट करता है देन आपको ये ट्राई करना चाहिए. बट आप इसको पहले
टेस्ट कर लें अपनी स्किन पे। सेकंड थिंग, आप इसको अगर स्टार्ट कर रहे हैं यूज़ करना तो आप इसको खाली वीक में एक बार ही ट्राई करें। एक्चुअली मैंने वीक में एक बार ही ट्राई करा, मुझे फ़र्क नहीं दिखा, इसलिए मैंने उसी वीक में, मैंने पहले इसे मंडे को ट्राई करा था, नेक्स्ट मैंने इसको फ्राइडे को ट्राई करा, मंडे को मुझे फ़र्क नहीं दिखा था तो मैंने इसे फ्राइडे पे यूज़ करके देखा। आई थॉट के अगर पहले इसने वर्क नहीं करा सेकंड टाइम तो कुछ तो फ़र्क आएगा, इसलिए मैंने फ्राइडे को ट्राई करा और हाँ, फ्राइडे को नेक्स्ट डे मेरी स्किन में फ़र्क आया। ये ग्लाइकोलिक एसिड है तो आप, और एसिडिक है तो आप इसको किसी और क्रीम वगैरह के साथ यूज़ करते हो तो ये रिएक्शन कर सकता है। रात को ये जो क्लिनिक के जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये आपको सुबह और शाम दो टाइम यूज़ करने पड़ते हैं, तो रात को मैं क्लिनिक के ही फेस वॉश से फेस वॉश करके और उसके बाद एज अ टोनर पिक्सी को अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद रात को मैं सो जाती हूँ। अगर आप चाहें तो इसके पिक्सी यूज़ करने के बाद आप 15 मिनट्स बाद आप कुछ अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र या कुछ लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, इस प्रोडक्ट को आप बाहर ना लगा के जाएं, और अगर बाहर धूप है तो बिल्कुल भी मत लगा के जाएं क्योंकि ये रिएक्शन कर सकती है। आई थिंक ये आपको सिर्फ रात को ही ट्राई करनी चाहिए, रात को ही आप इसको अपनी स्किन पे यूज़ करें और यूज़ करने के बाद सो जाएं। ये सबसे अच्छा वर्क रात को ही करेगा आपकी स्किन को, आपकी स्किन रात को ही इससे अच्छे से ट्रीट हो सकती है। मस्ट से दिस इज़ गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन एंड ऑयली स्किन टू। और आप, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये क्लिनिक के प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।